हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको लखनऊ घुमाएंगे दोस्तों, क्योंकि आज हम लखनऊ होते हुए जा रहे हैं। अभी तो हम आलमबाग में हैं, आज हम जा रहे हैं होली मिले अपनी ननंद के घर। तो आज हम आप सबको लखनऊ घुमाएंगे, क्योंकि हमें सीतापुर रोड पे जाना है, तो बहुत लंबा पड़ रहा है। हम पूरा रास्ते का वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं और आपको एक एक चीज़ दिखाते हुए जा रहे हैं दोस्तों। अभी तो हम घंटाघर पहुँचने वाले हैं, आप सभी लोग बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको बहुत कुछ दिखाएंगे आगे वीडियो में। अभी हम नींबू पार्क होते हुए चौक घंटाघर पहुंचने वाले हैं और अभी हम आपको रूमी दरवाज़ा भी दिखाएंगे दोस्तों। ये सब चीज़ें हैं जो देखने में बहुत सुंदर लग रही हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि आप लोग घर बैठे लखनऊ की सैर कर सकें। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि देखने में बहुत खूबसूरत हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग भी देख सकें दोस्तों। आप सभी लोग हमारी वीडियो को पूरा वॉच करना, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए हम घंटाघर आ चुके हैं। ये जो लाइटें दिखाई दे रही हैं बड़ी बड़ी सी, ये सारी लाइटें घंटाघर में लगी हुई हैं और यहाँ पर बहुत अधिक भीड़ नहीं है, बहुत कम भीड़ है इस टाइम। दोपहर का समय है, अगर शाम का टाइम होता तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और दोपहर है तो इस वजह से यहाँ पे भीड़ कम है। और ये देखिए रूमी दरवाज़ा है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेन हमारा रूमी दरवाज़ा ही है, जो हम इसी की वजह से हम आपके लिए वीडियो लाए हैं, क्योंकि ये रूमी दरवाज़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इधर से ही होते हुए हम लोग जा रहे हैं और ये कुड़िया घाट होते हुए हम लोग जाएंगे सीतापुर रोड पे, और सीतापुर रोड से हमको सीधा चले जाना है। अभी सीतापुर रोड से पहले भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ेंगी जो हम आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों। अभी हम आपको खदरा का CIPG कॉलेज भी दिखाएंगे। तो अभी हम पहले गोमती पुल पे पहुंच चुके हैं, ये गोमती का पुल है जो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। तो नीचे नदी है और ऊपर से ये पुल बना हुआ है, तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। पुल के ऊपर भी बहुत सारी डिज़ाइन बनी हुई है और बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पर। यहाँ पर भी हमको बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ पर भी दोपहर ही है, अभी शाम नहीं हुई है। और दोपहर में हम जाएंगे तो हमको कहीं पर भी भीड़ नहीं मिलेगी और हम बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। इसी वजह से हम लोग दोपहर में निकलते हैं, ताकि हमें भीड़ ना मिले। शाम के टाइम तो हमें घंटों जाम में फंसना पड़ता है, इसलिए हम दोपहर को ही निकले हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इतना सन्नाटा है गोमती पुल पे, और गोमती पुल पे वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और अब हम आ गए हैं खदरा पहुँच चुके हैं, CIPG कॉलेज के पास में हम लोग आ गए हैं। और ये आप लोग देखिए, यही है CIPG कॉलेज जो खदरा में है। इधर से होते हुए हम जा रहे हैं, आप लोग पूरा देख सकते हैं CIPG कॉलेज कितना बड़ा है। ये सारी चीज़ें लखनऊ में हैं दोस्तों, जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सारी चीज़ें लखनऊ में ही पड़ती हैं। और ये रास्ता है जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, ये डालीगंज का, ये जो पुल आपको दिखाई दे रहा है ये डालीगंज का पुल है, आप लोग देख सकते हैं। ये लखनऊ में बना हुआ है डालीगंज में। इधर से होते हुए ही हम लोग जा रहे हैं, हमको रास्ते में कई पुल मिले थे, लेकिन हमने पूरे सारे पुल का वीडियो शूट नहीं किया है। हम जो मेन पुल रहा, हम उसी को शूट किए हैं और वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अब हमको सीतापुर रोड मिल चुकी है और हम इसी रोड से सीधे जाएंगे और आपको पूरा गांव दिखाएंगे। वहाँ पर बहुत सारे खेत हैं, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। इस समय वहाँ पर गेहूँ तैयार है, तो हम आपको खेतों की सैर भी कराएंगे, दिखाएंगे आपको। लेकिन हम वीडियो गाड़ी के अंदर से ही बना रहे हैं और अंदर अंदर से ही हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर बहुत सारा जो खेत है, यहाँ पर सब पे कुछ ना कुछ बोया हुआ है। कहीं कहीं पे गेहूँ कट रहे हैं, कहीं पे कट चुके हैं, और खेतों में लोगों के मकान भी बने हुए हैं। तो गाड़ी के अंदर से ही हम वीडियो बना रहे हैं। और ये सब रोड के किनारे भी बड़ी बड़ी सी जो गांजा भांग के पौधे होते हैं वो सारे लगे हुए हैं, बेरी के पेड़ भी लगे हैं, झाड़ियाँ बहुत सारी हैं। तो ये सब हम गाड़ी के अंदर से ही बना रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं कि हमने उतर के नहीं शूट किया है दोस्तों। ये रास्ते का ही है और रास्ते से हम वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं। और ये अरहर के खेत हैं जो आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े से पेड़, तो ये अरहर है। और ये गेहूँ का खेत भी हमको मिल गया है, देखिए गेहूँ पक चुके हैं,
पूरी तरह से कटने वाले हैं। और यहाँ पर सागवन के बहुत सारे पौधे भी हैं, पेड़, बड़े बड़े से सागवन के पेड़ लगे हुए हैं। और रोड पे छोटी छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है। ये आम के पौधे हैं बहुत बड़े बड़े से, यहाँ पर बागे भी हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम धूप की वजह से बिल्कुल भी नहीं उतर पाए हैं, बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं किए हैं उतर के। आप लोग देख सकते हैं हम लोग ननंद के घर भी आ गए हैं। यहाँ पर हमने देखा है टमाटर का पेड़, दोस्तों बहुत बड़ा पेड़ है ये, एक पेड़ है। आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत सारे पौधे हैं टमाटर के, लेकिन नहीं, ये सिर्फ एक पेड़ है और ये पूरा ऊपर दीवार के ऊपर चढ़ गया है और इसमें बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं। तो इतना बड़ा पेड़ मैंने पहली बार देखा था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए कि आप लोग भी इतना बड़ा टमाटर का पेड़ देख लीजिए। और इसमें ढेर सारे टमाटर भी लगे हैं, लाल लाल टमाटर भी थे जो बच्चों ने तोड़े हैं, और कुछ कच्चे टमाटर छोटे छोटे से लगे हुए हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ा पेड़ है, पूरा दीवार पे चढ़ा हुआ है और नीचे से इसमें एक ही पेड़ ही है दोस्तों, ये एक पेड़ है। और दूर से आपको ऐसा लगेगा कि इसमें बहुत सारे पेड़ हैं और सब लोग खेल रहे हैं, बच्चे हैं, बच्चे बच्चों से मिल गए हैं तो बहुत खुश हैं। सब लोग बैठे हैं, ये नंद हमारी बैठी हुई, ये हस्बैंड हैं, दोनों लोग बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। सब लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं और चाय नाश्ता करने के बाद सब लोग बैठे हैं। इनके आंगन में बहुत सारे छोटे छोटे से पौधे लगे हुए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि एकदम लगता ही नहीं है कि घर में ये तैयार होने वाले पौधे हैं, लेकिन यहाँ पे चल रहे हैं। जैसे कि टमाटर देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई है दोस्तों। और ये सदाबहार का पेड़ है, टमाटर इधर भी लगे हुए हैं छोटे छोटे चारों तरफ से। इन्होंने आम के पौधे भी लगाए हुए हैं, सदाबहार इन्होंने अपने घर के चारों तरफ लगाए हुए हैं। आंकड़े का पौधा भी इन्होंने लगाया है दोस्तों, ये मनी प्लांट है जो कि रस्सी बांध दी है दीवार पे और ये पेड़ ऊपर को जा रहा है। सदाबहार है, गेंदा है, बहुत सारे पेड़ हैं जो इन्होंने घर में लगाए हुए हैं। हम लोग यहाँ गए थे और एक रात यहाँ पर रुके भी हैं। बहुत ज़्यादा वीडियो हम यहाँ की शूट नहीं कर पाए हैं क्योंकि हमको टाइम हो गया था और दूसरा दिन सुबह हम फिर से घर वापस आ रहे हैं। तो ये हम सब लोग जब गाड़ी में बैठ रहे थे तो उस टाइम का वीडियो है, सब लोग हमको भेजने आ रहे थे तो हमने सोचा थोड़ा सा वीडियो यहाँ का बना लेते हैं। तो यहाँ भी हमने थोड़ा सा वीडियो बनाया है, बहुत ज़्यादा हमने वीडियो यहाँ पे नहीं बनाया है क्योंकि हम रास्ते का ही वीडियो आपको दिखाए हैं पूरा। और यहाँ आने के बाद हमको थोड़ा, हमारे मोबाइल में बैटरी कम थी जिस वजह से हम यहाँ का ब्लॉग नहीं बना पाए हैं पूरा। तो ये वापसी हम जा रहे हैं उसी रोड से होते हुए, आप लोग फिर से देख सकते हैं रूमी दरवाज़ा जो पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है वही रोड है, हम उसी रोड से जा रहे हैं घर की तरफ। तो आशा है कि ये हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम वापसी जा रहे हैं तो हमने सोचा थोड़ा सा और आप लोगों को दिखा दें क्योंकि हमारा कुछ चीज़ें ऐसी थी जो छूट गई थी, जैसे नींबू पार्क है तो हमने नहीं दिखाया था आपको। तो ये नींबू पार्क है, नींबू पार्क से होते हुए हम लोग जा रहे थे, आते समय ये बिल्कुल हमें याद नहीं रहा था, ये हमारे उस हाथ पे पड़ा था और इधर से हम जब निकले हैं तो ये हमारे सही हाथ पे पड़ गया, तो मैंने सोचा इधर से शूट करते हैं। और ये देखिए फूल मंडी भी लगी हुई है, ये नींबू पार्क के बगल में थोड़ी दूरी पर फूल मंडी भी लगती है और यहीं से हम लोग फूल वूल मंगाते हैं। जब घर में कोई कार्यक्रम होता है तो फूल यहीं से आता है, पूजा पाठ होता है अगर, तो फूल यहीं से जाता है दोस्तों। हमारे वीडियो को देख